I am Prashast Jain. I am Senior Faculty Mathematics, CLC. I will be discussing with you paper first section 1 and section 2 IIT JEE Advanced 2019. So we start now. सेक्शन वर्स्ट में हम लोगों के पास में चार क्वेश्चंस थे जो कि सिंगल चॉइस क्वेश्चंस हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है, एक एरिया हम लोगों को एक रीजन का दे रखा है जिसमें हम लोगों को एक सेट के रूप में दे रखा है द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एक्स वाई विच सेटिस्फाई द रीजन्स एक्स वाई लेस देन इक्वल्स टू 8 एंड 1 लेस देन वाई लेस देन एक्स स्क्वायर. अगर हम इस रीजन को प्लॉट करें तो एक्स वाई इक्वल्स टू 8, ये हम लोगों के पास में एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. इस तरह से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं. वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हम लोगों के पास में एक पैराबोला है. इस तरह से हम इसको प्लॉट कर सकते हैं. अगर हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें तो हम बोल सकते हैं वाई इक्वल्स टू 8 अपॉन एक्स एंड वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. So 8 upon x equal to x square, that is x cube equals to 8, that is x equals to 2. तो इस जगह x coordinate 2 है, y coordinate हम लोगों के पास 4 है. थर्ड हमारे पास में इसमें जो कर्व है that is y equals to 1, which is a horizontal line. y 2.4 के नीचे वो ड्रॉ होगी. So y equals to 4 is a line which looks like this. ये पॉइंट हम लोगों के पास में y coordinate 1 है. So x coordinate हमारे पास में हो जाता है y1 रखा तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास में हो जाता है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. यहाँ पर y कोऑर्डिनेट हमारे पास 1 है तो x कोऑर्डिनेट भी 1 हो गया. इस जगह हमारे पास में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 है तो x कोऑर्डिनेट हमारे पास में हो जाता है 8. इन दोनों इन सारे रीजन्स को बाउंड करने वाले एरिए को अगर हम देखते हैं तो एक रीजन हम लोगों को ये दिखता है और एक रीजन हम लोगों को ये पूरा भी नज़र आता है. अगर हम लोग इस एरिया को कैलकुलेट करें सो दिस एरिया बिकम्स थ्रू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 1 to 2 प्लस 8 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 8 माइनस डी एक्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 8. अगर इस पूरे को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे जो काफ़ी इजीली इंटीग्रेबल हैं तो हम लोगों को फाइंड आउट होगा 16 लॉगरिथम ऑफ 2 माइनस 14 अपॉन 3 विच इज़ योर थर्ड ऑप्शन. बट इस क्वेश्चन में जैसा हम लोगों को दिख रहा है इस रीजन के अलावा ये वाला रीजन भी सारी कंडीशंस जो कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ दे रखी है सेटिस्फाई कर रहा है. सो इस एरिया को भी हम लोगों को ऐड करना चाहिए. अगर मैं इसको फर्स्ट और इसको सेकंड रीज़न कहूँ तो ये हम लोगों के पास में फर्स्ट रीज़न का एरिया है. अगर हम लोग सेकंड रीज़न का एरिया के बारे में बात करें तो ये अनबाउंडेड है या अगर हम लोग इसको टेक्निकल टर्म्स में बोलें तो ये एरिया इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है. सो अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन बोथ एरियाज मस्ट बी काउंटेड. सो आंसर शुड बी इन्फिनिटिव which is not given in the options. So according to us, the answer should be, this question should be ignored or bonus. If area is counted only this, then we will get answer third. But according to us, the best answer is infinitive. So let's see what IIT do in this question. Okay, next question. Next question, question number 2. कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों को दे रखा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है. जैसा हम लोगों को दिख रहा है अगर यहाँ पर इक्वल टू √5 होता तो ये इक्वेशन एक सर्किल को रिप्रेजेंट करती जिसका सेंटर 2, -1 और रेडियस √5 होती. सिंस हेयर ग्रेटर देन और इक्वल टू हैज़ बीन गिवन सो दिस इज एक्सटीरियर टू द सर्किल हैविंग सेंटर 2, -1 एंड रेडियस √5. अगर इस सर्किल को हम लोग प्लॉट करें तो ये सर्किल अगर मैं इसको ओरिजन से सेटिस्फाई कराऊं तो ओरिजन भी इसको सेटिस्फाई करता है. सो दिस सर्किल इज लाइक दिस. सेंटर है 2, -1 सो समवेयर हेयर
नाउ आगे इस क्वेश्चन में हम लोगों को, तो ये जो रीजन है ये हम लोगों के पास इस सर्किल और इस सर्किल के एक्सटीरियर पोर्शन को पोर्ट्रे कर रहा है। आगे हम लोगों को इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि हम लोगों को 1/z0-1 मैक्सिमम वैल्यू है, 1/z-1 का मॉडुलस एक सेट के रूप में हम लोगों को दे रखा है, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम लोगों को टच करना है। नाउ 1/z-1 मॉडुलस विल बी मैक्सिमम व्हेन z-1 मॉडुलस इज मिनिमम। सो मॉडुलस ऑफ z-1 मिनिमम हम लोगों को लेना है, और इसके लिए हम जानते हैं, जैसा हम जानते हैं कि जेड इस सर्किल और इस सर्किल के बाहर के पोर्शन को डिनोट कर रहा है, मतलब ये सारा पोर्शन हम लोगों के पास में इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो z-1 मॉडुलस विल बी मिनिमम व्हेन एंड 1,0 इज ए पॉइंट समवेयर लाइक दिस। तो z-1 का मॉडुलस मिनिमम तभी होगा जब हम लोग सेंटर और इस पॉइंट को ज्वाइन करके आगे बढ़ा दें और इस पॉइंट को हम लोग जेड के रूप में लें, तो जेड और वन इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होगी। तो इस पॉइंट को टेक्निकली हम लोगों को जेड नॉट लेना है। हम लोगों को इस सर्किल की रेडियस पता है विच इज़ √5, तो ये पूरी लेंथ हम लोगों के पास में √5 है। ये लेंथ हम लोगों को पता है 1+1 √2, सो दिस कंप्लीट इज √5, दिस इज √2, सो दिस इज √2 एंड दिस इज √5-√2 दिस डिस्टेंस। सो ये डिस्टेंस हमें पता है, ये डिस्टेंस हम लोगों को पता है, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाकर पॉइंट ए का अफिक्स यानी कि जेड नॉट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा √5-√2 इंटू 2-iota प्लस √2 इंटू जेड नॉट अपॉन सम ऑफ दीज टू दैट इज √5 एंड दिस बिकम्स 1। यहां से हम लोग सॉल्व करके जेड नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जेड नॉट की वैल्यू यहां से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, दैट विल बी √5-√2 इंटू 2-iota अपॉन √2 विच विल बी √5-√2 इंटू 2/√2 प्लस √5-√2/√2 आयोटा। इसे हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये नंबर हम लोगों को मिलता है √2 √5-2√5 दैट इज −√5 प्लस 2√2 प्लस √5-√2/√2 आयोटा। ये जेड नॉट हम लोगों को इस कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज करना है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के प्रिंसिपल आर्गुमेंट के बारे में हमें पता करना है। जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड नॉट को इस पूरे में रखेंगे, जो कि काफ़ी इजी है, जेड नॉट हमें पता है, जेड नॉट बार का मतलब हो जाएगा कि हम लोग यहाँ पर माइनस अप्लाई कर दें। जैसे ही हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इजीली हम लोगों के पास में सिंप्लीफाई होकर के आ जाता है −1/2 iota। और जैसा हम दिख रहा है ये एक प्योरली इमेजनरी नंबर है जिसका इमेजनरी पोर्शन नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट −π/2 होगा, विच इज योर सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। मैट्रिक्स हम लोगों को M नाम से एक 2×2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दे रखी है, और M इक्वल्स टू α×I+β×M−1 दे दिया हुआ है। यहाँ से हम लोगों को अल्फा और बीटा की वैल्यू और निकालनी है, जो कि हमें टर्म्स इन टर्म्स ऑफ थीटा मिलेगी, और फिर उन थीटा को 0 से 2π के बीच में वैरी कराना है, जिससे हमें अल्फा और बीटा की मिनिमम वैल्यू पता लगे, जिसको कि अल्फा स्टार और बीटा स्टार इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोगों को अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। उसके लिए डायरेक्टली हम लोग इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए हमें पहले उसके डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ती है,
तो सबसे पहले हम लोग इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लेंगे. दैट विल बी साइन टू द पावर 4 थीटा इनटू कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस माइनस प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इनटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वी विल गेट साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1 इनटू 1 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगेन 1 दैट बिकम्स 2 एंड साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा. सो दिस बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2. ये हम लोगों को इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट होती है. नाउ आई विल यूज द इक्वेशन विच इज गिवन एज m इक्वल्स टू अल्फा इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस बीटा इनटू m इनवर्स. नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स m इज साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा इक्वल्स टू अल्फा आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस बीटा इंटू एम इनवर्स. नाउ एम इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ एम अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ एम. सो डिटर्मिनेट ऑफ एम वी हैव गॉट दिस साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 एंड हेयर वी शुड राइट एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स एम. एज वी नो टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 we can just interchange these two numbers and we can apply negative signs in this and this. So through this procedure we get adjoint of m cos to the power 4 theta sin to the power 4 theta 1 plus sin square theta and minus 1 minus cos square theta. Now we can compare the elements in left hand side and right hand side to get the values of alpha and beta. For this we are finding first beta. So I am calculating the element of the place 1 which is in the first row and second column. In right hand side we can have element alpha into 0 that is 0 plus beta into this number divided by this number that is beta into 1 plus sin square theta upon sin to the power 4 theta cos to the power 4 theta plus sin square theta cos square theta plus 2. And in the left hand side we are having the element minus 1 minus sin square theta. So 1 plus sin square theta and 1 plus sin square theta will be cancelled out. So we can have beta as minus sin to the power 4 theta cos to the power 4 theta plus sin square theta cos square theta plus 2. As we know that sin theta into cos theta can be written like sin 2 theta upon 2 and sin 2 theta upon 2 through that isko hum log 16 se multiply kar dete hain multiply divide isko hum log 4 se multiply divide. So 1 upon 16 complete number ko 16 se multiply kar dete hain. So 16 sin to the power 4 theta cos to the power 4 theta becomes sin to the power 4 theta plus here we are having 16 4 sin square theta cos square theta becomes sin square 2 theta and 4 remains and here we get 32. So now here we are having 2 theta. So this becomes minus 1 upon 16 sin 2 theta plus 2 whole square plus 28. We have to find its minimum value which is given as beta star. So this is beta and beta star would be minus 1 upon 16. To get the minimum value we should maximize this number. So we should put sin 2 theta as 1. So 1 plus 2 3 3 whole square 9 9 plus 28 is 37. So this becomes minus 37 upon 16. ये हम लोगों को बीटा की वैल्यू मिल चुकी है. अब हम लोग इसी तरह से दोनों तरफ कंपेयर करेंगे
और अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. फॉर दिस अगर हम देखें राइट हैंड साइड, सो अल्फा इंटू वन प्लस बीटा इंटू कॉस टू द पावर फोर थीटा अपॉन साइन टू द पावर फोर थीटा कॉस टू द पावर फोर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू इक्वल्स टू साइन टू द पावर फोर थीटा. ओके, सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ बीटा विच वॉज साइन टू द पावर फोर थीटा कॉस टू द पावर फोर थीटा प्लस टू हेयर एंड दिस नंबर बोथ आर एक्चुअली सेम. सो वी कैन कैंसिल दीज नंबर्स. आफ्टर दैट वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एल्फा इन टर्म्स ऑफ थीटा. लाइकवेज ऑफ बीटा वी कैन मिनिमाइज एल्फा ऑल्सो एंड इन द सिमिलर वे वी विल गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ एल्फा विच शुड बी कॉल्ड सो आफ्टर एल्फा स्टार will be minus 1 upon 2. So the question was alpha star plus beta star. So answer should be minus 37 upon 16 minus 1 upon, sorry, it, we would get it 1 upon 2. So answer would be minus 37 upon 16 plus 1 upon 2. That is minus 37 upon 16 plus 8 upon 16, which will be equal to minus 29 upon 16. So answer would be fourth. Okay, next. Question number fourth. In question number fourth, we have given an equation of a straight line y equal to mx plus 1 which intersect the circle having center at 3 comma minus 2 at two points P and Q. So this is the circle. This is the equation of the straight line y equal to mx plus 1, which can be written mx minus y plus 1 equals to 0. Here is the center 3 comma minus 2 and radius is 5. This point is P and this point is Q. Again, we have further given in the question that the middle point of the line segment PQ has the x coordinate minus 3 upon 5. That is, this point, which is the middle point of PQ, has the x coordinate minus 3 upon 5. As we know, we can find foot of perpendicular of any point on any line. From that way, we will find the x coordinate of the foot of perpendicular drawn from 3 comma minus 2 to this line, which should be this point. If this point is minus 3 by 5 comma say lambda, so there is a formula to find the feet of perpendicular. We are applying that formula. From that, we get minus 3 by 5 minus 3 upon m equals to minus, this point should be put up in this equation, 3m plus 2 plus 1 upon m square plus 1. This is a simple quadratic equation. We can solve it and get the value of m. We will get the value of m equals to 2 and 3 after solving this. And these two values are satisfying option number first. So the first option is correct. Okay, next.